रिवोल्ट मोटर्स भारतीय बाजार में सिर्फ दो उत्पादों की बिक्री करती है, लेकिन इसने अपनी एक खास जगह बना ली है। कंपनी की आरवी 400 भारत की पहली इलेक्ट्रिक बाइक है। आरवी 400 टॉप एंड वेरिएंट है और आरवी 300 बेस वेरिएंट है। इस भारतीय कंपनी ने वर्ष 2019 में इन उत्पादों को लॉन्च किया था और तब से इसकी बुकिंग चालू होती है और बंद कर दी जाती थी। हाल ही में एक बार फिर कंपनी ने इस लोकप्रिय इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की बुकिंग दोबारा से शुरू कर दी है, लेकिन उसे तुरंत बंद करना पड़ा। रिवोल्ट मोटर्स ने 2 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा मूल्य की मोटरसाइकिलें बेच दी। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने टू फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सब्सिडी भी बढ़ा दी, जिसके बाद रिवोल्ट मोटर्स ने जब अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक बाइक आरवी 400 की कीमतों में बड़ी कटौती कर दी। कंपनी ने आरवी 400 कीमत में करीब 28,000 रुपये की कटौती कर दी। अब रिवोल्ट 400 मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 90,799 रुपये है। कीमत में भारी कटौती के बाद ग्राहक शानदार ड्राइविंग रेंज की इलेक्ट्रिक बाइक को जमकर खरीदा। ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए कंपनी को इसकी बुकिंग बंद करनी पड़ी। आरवी की 300 की कीमतों को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। अब मैं आपको बताऊंगा इस बाइक की डिलीवरी कब और कैसे की जाएगी। इसके लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंपनी ने हाल ही में बताया है कि उन्होंने उत्पादन को बढ़ाया है और इसलिए बाइक्स को ग्राहकों तक जल्दी पहुंचाया जाएगा। जिन ग्राहकों ने अब अपनी बाइक बुक की है, कंपनी ने उन्हें वादा किया है कि बाइक की डिलीवरी सितंबर 2021 तक कर दी जाएगी। बता दें कि कीमत में कटौती के बाद रिवोल्ट आरवी 400 की कीमत अब बजाज पल्सर NS125 जैसी बाइक के बराबर हो गई है। कंपनी फिलहाल सिर्फ 6 शहरों में दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद में आरवी 400 की इस इलेक्ट्रिक बाइक को एक बार फुल चार्ज करने पर यह 150 किलोमीटर से ज़्यादा की ड्राइविंग रेंज देती है। यहाँ जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की खासियतें और इसे इतना पसंद क्यों किया जाता है। इस बाइक में कंपनी ने 5 kW का इलेक्ट्रिक मोटर दिया है। खास बात यह है कि बाइक में 3.25 kWh का बैटरी पैक मिलता है। इसमें 3 राइडिंग मोड, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मिलते हैं। बाइक की टॉप स्पीड 85 किलोमीटर प्रति घंटा है।